तो खबर तो तुम लोगों को मिली होगी। नहीं मिली? मिली होगी यार। चलो मैं ही बता रहा हूँ। अब देखो यार, पठान ने जब से बॉक्स ऑफिस पे गांडफाड़ कमाई की है, उसके बाद भैया बात थोड़ी सीरियस तो हो। बात सीरियस इसलिए हो गई है क्योंकि एक तो अब जो है स्पाई यूनिवर्स बहुत बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि भैया अब मार्वल की भी गांड पड़ गई। मजाक है, लेकिन फिर भी बात काफी सीरियस पहुंच चुकी है। अब बात इतनी सीरियस हो गई है कि भैया एक तो पठान ने इतना तगड़ा बिजनेस कर लिया, उसके ऊपर अभी भी वो फिल्म थिएटरों पर लगी हुई है, इसके अलावा OTT पर भी वो फिल्म बढ़िया कर रही है। कोई भी फिल्म हो, अगर वो फिल्म अच्छा कर रही है तो इस बात का फायदा सिर्फ एक्टर्स को ही नहीं होता भाई, उस बात का फायदा उसके डायरेक्टर को भी होता है जिन्होंने फिल्म वो बनाई होती है। अब वो फिल्म बनाई किसने? वो फिल्म बनाई है सिद्धार्थ आनंद ने। अब सिद्धार्थ आनंद का नाम भैया फिल्म इंडस्ट्री में एक्शन थ्रिलर पिक्चर बनाने के मामले में तगड़ा नाम हो चुका है। हालांकि वो कॉपी वोपी करके बना देता हो, लेकिन वो एक अलग बात है। अच्छे बड़े प्रोजेक्ट वो झेल सकता है, आसानी से उनको मैनेज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर गच्चा वाली एक बात हो गई है कि भैया वॉर 2 से सिद्धार्थ आनंद जो कि पहले उसे डायरेक्ट कर रहा था, अब वो उसे डायरेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, वॉर 2 की एक बहुत बड़ी खास बात यह है कि उसमें जूनियर NTR की एंट्री हो चुकी है, तो इसका मतलब ऋतिक रोशन और जूनियर NTR आमने सामने होंगे। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि साउथ की पब्लिक को भी खींचना है और नॉर्थ की पब्लिक को भी खींचना है। कुल मिला के ये है कि फिल्म चाहे जैसी भी बने, लेकिन पब्लिक दोनों तरफ की आनी चाहिए और बेहतरीन से बेहतरीन कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पे होना चाहिए, मेन मकसद है ये। बाकी फिल्म बहरहाल जैसे बनेगी। अब बकचोदी थोड़ी बहुत ये हो रही है कि पहले इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करता, अब उनकी जगह पे भैया इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अयान मुखर्जी, और जिसकी इंडिकेशन भैया उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी दे दी है ये स्क्रीनशॉट लगा के। मैं आपको बता दूं कि भैया अयान मुखर्जी को ये फिल्म जो सिफारिश पे मिली है, रानी मुखर्जी उनकी रिश्तेदार है, बस इतना ही कहूंगा। अयान मुखर्जी के साथ प्रॉब्लम भैया ये है कि उसके पास अभी दो फिल्में और हैं, ब्रह्मास्त्र की दूसरा और तीसरा पार्ट, जिसको उसने कहा है कि भैया इनको मैं एक साथ ही डायरेक्ट करूंगा और लगभग छोटे से इंटरवल में दोनों को रिलीज भी कर दूंगा। अब वो फिल्में आएंगी एक 2026 में और एक शायद 2027 में, तो वो हो गया बहुत आगे का हिसाब। लेकिन अभी उसकी छाती पे एक फिल्म है जिसका नाम है वॉर 2। अभी शायद तो वो पूरा इस पे ध्यान देगा, लेकिन इसके साथ साथ भैया आदित्य चोपड़ा की खोपड़ी में एक उबाल आया और उसने कहा कि भैया ठीक है, अब मैं वॉर 2 ये बना रहा है, लेकिन मुझे एक सिद्धार्थ आनंद के साथ एक फिल्म करनी है और उस फिल्म का नाम मैं रखूंगा टाइगर वर्सेस पठान। उन दोनों की धक्का मुक्की पिक्चर के अंदर देखने को मिलेगी। अब इस फिल्म के लिए भैया उन्हें बहुत तगड़ा वाला डायरेक्टर चाहिए था जिसका नाम है सिद्धार्थ आनंद। वो सीधी सीधी उसके पास ही जाएगा क्योंकि उसने भाई ऐसी फिल्में बनाई है, बैंग बैंग बनाई है, उसने वार बनाई है और उसने इतनी बड़ी फिल्म अभी दी है भैया पठान। उसका फैसला भी बढ़िया है कि भैया ठीक है, जिसको एक्सपीरियंस है भाई बड़ी फिल्म बनाने का उसको मैं काम दूंगा। अभी फिल्म टाइगर पठान आई भी नहीं है, इसकी शूटिंग 2024 में जनवरी में स्टार्ट होगी और लगभग 2025 के आसपास पिक्चर जो है रिलीज होगी। लेकिन YouTube के कुछ बहुत सारे बकचोद चैनल ऐसे हैं कि उन्होंने टाइगर और पठान को 1,000 करोड़ कमवा भी दिए हैं। अभी सही ना पिक्चर की अभी कोई स्टोरी है, ना शूटिंग है, ना लॉ है, ना लसन है, और उन्होंने भैया 1,000 करोड़ पक्के। और अगर टाइगर वर्सेस पठान बनती है और उसमें दोनों खान एक साथ आते हैं, शाहरुख खान और सलमान खान, हिंदी सिनेमा में दूसरी बार होगा कि ये दोनों एक साथ एक फिल्म में होंगे। पूरी फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी फिल्म में मतलब कि इन दोनों की ही फिल्म हो वो। इससे पहले भैया तो वो बिल्कुल ही एक लीजेंडरी फिल्म जो है करण अर्जुन, उसमें दोनों साथ आए थे और 1995 में वो फिल्म आई थी। तो भैया यही कुछ न्यूज थी हमारे पास जो की मैं सोच रहा था आप लोगों का शेयर कर दूं। फिल्म तो भाई देखो गर्दा तो उठाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि फिल्में गर्दा नहीं उठाएंगी, वॉर 2 भी गर्दा उठाएगी और फिल्म टाइगर वर्सेस पठान अगर बनती है तो, अभी तो सिर्फ खाली प्रोजेक्शन ही चल रहा है, लेकिन अगर बनती है तो गर्दा उठाएगी नो डाउट। अब यार देखो मेरा एक कंसर्न ये है कि मेरे जो अभी चैनल पे हैं वो है सिर्फ 150 सब्सक्राइबर। मैं भैया अपनी कुछ ख्याल फेंकता हूँ चैनल पे कि भैया मुझे फिल्में ऐसी लगी, मुझे फिल्में ऐसी लगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि साले तेरे 150 सब्सक्राइबर है और तू ऐसा बोल रहा है। अब मुझे ये बताओ कि भाई मेरे 150 सब्सक्राइबर है, किसी आदमी के 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो दोनों के लिए 2 और 2 तो 4 ही रहेंगे। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मैं 2 और 2 को 20 बना दूंगा या 2 और 2 को 5 बना दूंगा। भैया 2 और 2 तो 4 ही है। फिल्म बेकार है तो बेकार, चाहे किसी के 150 सब्सक्राइबर हो चाहे किसी के 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो, सबके सोचने का प्रोसेस अलग होता है, देखने का प्रोसेस अलग होता है। ठीक है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे 150 सब्सक्राइबर हैं अभी, जिन्होंने भी किया है भाई उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है अगर ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो आगे 1,500 भी होंगे, 1.5 लाख भी होंगे। आपने कुछ ज्यादा ही प्यार दे दिया तो भैया 1.5 मिलियन भी हो जाए,
तो वो एक आगे की बात है, लेकिन फिलहाल अभी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल। कंटेंट तो ऐसे ही आता रहेगा भाई। यार देखो, मैं किसी का फैन नहीं हूँ, ना मैं बॉलीवुड का फैन हूँ, ना मैं साउथ का फैन हूँ। मैं फैन हूँ एक बहुत अच्छे लेवल के सिनेमा का, और बहुत अच्छी चीज जो सामने दिखाई जाएगी उसकी मैं तारीफ करूंगा, और कुछ भी नकली चीज होगी तो फिर मैं भाई मैं तो सच ही बोलूंगा उसमें, चाहे भाई तुम्हारा शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे प्रभास हो, जूनियर NTR हो, या रामचंद्र, कोई भी हो, कोई भी बड़ा स्टार हो या कोई भी छोटा स्टार हो, अच्छा काम करेंगे तो जब अच्छा बोला जाएगा, गंदा काम करेंगे तो गंदा बोला जाएगा। तो बस आज के लिए तो भाई इस वीडियो में यही था, बाकी देखते हैं भाई, गर्दा तो मचेगा और स्पाई यूनिवर्स बड़ा होता जा रहा है दिन पर दिन। तो आज के लिए यही था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, बाकी सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई, बाय बाय बाय।